जो उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं बुलडोजर चल रहा है, उसको लेकर आप क्या? बुलडोजर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इस वक्त जो बोल रहा है वो जा रहा है, जो नहीं बोल रहा अपने घर में बैठ रहा है। संविधान के खिलाफ है बुलडोजर, संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। यानी संविधान के तहत ही तो आप सजा दोगे, पहले रिपोर्ट लिखवाओगे, उसके बाद थाने जाओगे, उसके बाद सजाओगे, सारा बुलडोजर चढ़ा दोगे आप किसी पर। वो सिर्फ मुसलमानों पे चल रहा है, हिंदुओं पे नहीं चल रहा, सिर्फ मुसलमानों पे। सरकार को तो मुसलमानों को उजाड़ना है बस। ऐसा क्यों लग रहा है? देखते हैं तो जो दिख रहा है वो लग रहा है। मानती हैं कि मुसलमानों को उजाड़? हाँ, यही मानते हैं। उन्हें कोई भी, उन्होंने काम ऐसा नहीं किया जो देश के कोई हित में हो। अतीक अहमद के साथ क्या होना चाहिए? प्रयागराज का जो है माफिया, आपने मुझसे दूसरे का क्वेश्चन कर लिया, जो गुंडा से मारो, शरीफ को क्यों मार रहे हो? किस शरीफ को मार दिया? हम शरीफ है? आपको कहाँ, आपके घर बुलडोजर चला है क्या? भाई साहब, आप अपनी मेरी बात क्यों कर रहे हैं आप? अब अतीक अहमद की बात ये रहे, और भी लोग हैं सर, एक जो नाम आया था उसके ही नाम छाला जाए अतीक अहमद के अलावा, और भी तो है माफिया लोग। निर्दोष है क्या? निर्दोष ही है बिल्कुल, माफिया लोग और भी नहीं, और लोग तो इसमें अतीक अहमद के साथ में है। क्या नाम हो गया सर आपका? इसरार खान। खान साहब, ये बताइए योगी जी की जो सरकार है कैसा काम कर रही है? सरकार वैसे सही काम कर रही है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। अब उत्तर प्रदेश में कैसे हालात हैं? बाकी तो सरकार सही है, काम सही है, लेकिन बस महंगाई से पब्लिक परेशान है। महंगाई से परेशान? हाँ। अच्छा, एक बात चल रही है उत्तर प्रदेश में बुलडोजर को लेकर, क्या कहेंगे बुलडोजर पर, आपकी क्या राय है? देखिए, जो गलत काम करेगा वो गलत का हर जाना भुगतना पड़ेगा, जो गलत करेगा वो भुगता जाएगा, वो तो भुगता जाएगा। थोड़ा टाइम कम है हमारे पास, आप क्या कहेंगे योगी जी? हम सही है, ठीक है, ठीक है। आप बताइए, एक सवाल रहेगा मेरा। अच्छा चलिए, आप बताइए क्या नाम हो गया भैया आपका? मोहम्मद दानिश। अच्छा दानिश जी, कैसे हैं योगी जी? योगी जी पोगी जी तो कुछ कैसे नहीं है, खुद का खाना खुद का कमाना हो रहा है, उसमें भी नहीं खान कमाने दे रहे। माफियाओं पर जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर कई सारे लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों पे चलाया जा रहा है बुलडोजर। ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत करोगे तुम्हारे साथ भी होगा, मैं गलत करूंगा मेरे साथ भी होगा। गलत के साथ हो रहा है? गलत के साथ तो नहीं है, किसी गरीब पर बुलडोजर चलाया गया हो। बुलडोजर चलाया तो जा रहा, हमें तो खाना कमाने, तो माफियाओं ने मर्डर कर दिया, माफियाओं ने उन्हें मार दिया, माफिया जेल में पड़े हैं, माफियाओं के घर पर बुलडोजर चल रहे, तो हमारे घर से क्या लेना देना, हमें तो खाना कमाने दो। लेकिन एक जो माहौल ये बनाया जा रहा है कि गरीब लोगों को परेशान कर रही है सरकार बुलडोजर के माध्यम से, गरीब पर बुलडोजर चलाया गया। कुछ बुलडोजर के बारे में कोई परेशानियत नहीं है, नाम पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, ना हमें कुछ करा जा रहा है। आप संतुष्ट है, मतलब जो अतीक अहमद के साथ माफियाओं के साथ हो रहा है सही हो रहा है? मैंने क्या कहा, जो आप गलत करोगे आपके साथ भी यही होगा, मैं गलत करूंगा मेरे साथ भी यही होगा। क्या नाम भैया? मोहम्मद उवैस कुरैशी। कुरैशी जी, ये बताइए उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? सोचना जो हो रहा काम बढ़िया हो रहा है, लेकिन हमारे साथ तो बढ़िया नहीं हो रहा। मैं माफियाओं के साथ जो हो रहा है, जो उन्होंने जैसा करा उनके लिए ऐसा सही हो रहा है। इनकाउंटर हो रहे हैं उनके अतीक अहमद के गुर्गों के, उस पर आपका क्या कहना? गलती थी जो उन्होंने करा वो ऐसा भुगत रहे, हम किस लिए भुगत रहे? मेहनत मजदूर आदमी, देखो इनकी हालत, 6 किलो घट गए। अच्छा आप बताइए भैया क्या नाम? मोहम्मद कैफ। कैफ साहब, ये योगी का बुलडोजर चल रहा है, क्या कहें? गलत चल रहा, गलत चल रहा है। गवर्नमेंट थी ये, समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। समाजवादी पार्टी के लोग क्या सोचते हैं योगी के बुलडोजर को लेकर? क्या नाम हो गया पहले? मेरा नाम इमरान रिजवान है जी। इमरान रिजवान जी, बुलडोजर प्रयागराज में चल रहा है, गूंज सुनाई दे रही है ऐसा लोग कह रहे हैं, सही हो रहा है गलत हो रहा है? मेरा मानना है बुलडोजर हर उस व्यक्ति पर चलना चाहिए जो कानून के खिलाफ है, और जाति धर्म से उठकर बुलडोजर चलना चाहिए। जाति धर्म से उठकर? लेकिन ये कहा जा रहा है ये शैगर साहब पर बुलडोजर चलना चाहिए, और उन पर बुलडोजर चलनी चाहिए जिनके जिनके जो किसानों को ऋण दे गया, तो ये एक तरफा कार्रवाई क्यों हो रही है भाई? बुलडोजर अतीक अहमद पर जो कार्रवाई हो रही है वो एक तरफा कार्रवाई, जो कहा जो भी क्या नाम है कानून के खिलाफ है उसके खिलाफ बुलडोजर चलना चाहिए। कानून के खिलाफ जो दो या शैगर हो या कोई भी हो, किसी भी धर्म जाति का हो, उसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए जो भी संविधान के खिलाफ है। बुलडोजर संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। यानी संविधान के तहत ही तो आप सजा दोगे, पहले रिपोर्ट लिखवाओगे, उसके बाद थाने जाओगे, उसके बाद सजाओगे, सारा बुलडोजर चढ़ा दोगे आप किसी पर। अच्छा, अब जो कार्यवाही हो रही है वो क्या संविधान के अनुसार हो रही है? नहीं, संविधान के पक्ष में होनी चाहिए, वैसे तो संविधान के खिलाफ ही हो रही है। संविधान के खिलाफ बताइए आप मुझे भाई, संविधान है या नहीं? संविधान को मानते हो आप या नहीं? संविधान की तहत होगा कुछ ये संविधान? योगी जी ने सदन में कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को। हाँ, भाई आप मिलाइए, जितने भी माफिया सबको मिट्टी में मिलाइए। शेखर भी तो है जो भाजपा में है,
और जिन्होंने भी दलित बेटी को जलाकर मार दिया उसको भी मिट्टी में मिलाई है। लेकिन अखिलेश जी उस पर भी टिप्पणी करते हैं, आप कहते हैं कि ये कोई भाषा नहीं है, ये योगी जी की बात है, गरिमा होनी चाहिए, आपको हजारों लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, एक गरिमा भी तो होनी चाहिए किसी बात की। उस चीज का तो समर्थन कर रही है पब्लिक, कह रही है सही बात किया है योगी जी ने, माफिया हमने तो देखा। लेकिन आप तो समाजवादी पार्टी के खूब ट्रोल हो रहे हैं, देखिए आप देखिए सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रहे हैं। आप तो नेता है, नेता तो नेता वाली बात, एक गरिमा भी तो होती है ना भाई, मैं अगर मुख्यमंत्री हूँ या कोई मैं प्रदेश का वो हूँ तो मुझे अपनी गरिमा भी तो देखनी है, मेरे पीछे लाखों करोड़ों लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरी अच्छाई होगी भी बुराई होगी। ठीक है, अहमद समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता नहीं, वो तो बीएसपी में भी है अतीक अहमद, आपका समाजवादी पार्टी में सांसद आदो भी जी 156 जो है एमपी जो है कांग्रेस में थे, ये तो बनते बिगलते रिश्तों की दुनिया है, बताइए आप मुझे अब क्या हाल होना चाहिए अतीक अहमद इसका, जो भी कानून के तहत सजा मिलेगी मेरे स्वीकार है जी, कानून के तहत के साथ उसके साथ कार्रवाई अच्छी बात है, अगर बुरा करो। क्या नाम हो गया सर आपका? कमल कुमार। कमल कुमार जी, उत्तर प्रदेश की जो इस समय चर्चा हो रही है वो बुलडोजर को लेकर सबसे ज्यादा है, आपको क्या लगता है योगी जी की कार्रवाई सही है गलत है माफियाओं को लेकर? माफियाओं को लेकर सही कार्रवाई है, सही कार्रवाई बिल्कुल, मतलब सही बुलडोजर चल रहा है बिल्कुल, जो भी हो ना वो कानून के तहत कर, किसी एक धर्म के खिलाफ चल रहा हो नहीं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा ही कहते हैं। नहीं, धर्म के खिलाफ नहीं चल रहा है, इसमें हिंदू के खिलाफ भी हुआ है, मुस्लिम के खिलाफ भी, जो गलत कर रहा है उसके लिए सही गलत है, जो सही है आम आदमी उसके लिए कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन ये खारे कमा रहे हैं मार्केट में, जो चाहे किसी भी धर्म का है वो, उसको कोई डरने वाली बात ही नहीं है, जो गलत है उसके लिए डरना है, गलत व्यक्ति को डरना होगा बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कहा यह जाता है कि मुसलमान के खिलाफ सरकार बुलडोजर चलाती है, भाई साहब भी कह रहे हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं है, सबके साथ काम होना चाहिए। नहीं हुआ नहीं है मेरठ में, जो हिंदुओं के ऊपर जो हिंदू है दादरी में सुरेंद्र नागर जो भी था वो बदमाश, वो उनके खिलाफ बुलडोजर नहीं चला है, ऐसी बात नहीं, जो हिंदू गलत करेंगे तो हिंदू के साथ भी होगा, कोई भी हुआ इसमें ऐसी बात नहीं है भाई साहब, सबका मतलब सबके साथ सबका विकास वाला काम हो रहा है बुलडोजर। नहीं नहीं, सबका साथ सबका विकास। आपका क्या नाम हो गया सर? मेरा नाम राजेश कश्यप है। राजेश कश्यप जी, हम तो ये कहेंगे पहले तो देखो बुलडोजर किसी पे भी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, पहले सबसे पहला जैसे हम नौजवान युवाएं दो दो बच्चे तीन तीन बच्चे, इन्हें रोजगार दो पहले, अब बच्चों को लेकर कहाँ जाएँ, सही शिक्षा देनी है तो भैया फीस आज तक लॉकडाउन से आज तक मतलब माफ ना हो पाई है तो किससे कहेंगे, ना तो कहेंगे जी नाम कटवा लो घर पे बैठाओ, सस्ती शिक्षा कहाँ से देंगे, हमें बिल्डोजर किस पे चढ़वाओ, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले हमारा रोजगार चलाओ और हमें बच्चे 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 हम पाले कैसे बताऊँ। आप बताइए अंकल जी, क्या नाम हो गया? रियाजुद्दीन। अच्छा, बुलडोजर की जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हो रही है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? सही हो रही है, सही हो रही है, बड़े हल्के मन से कह रहे हैं, सही है। ऐसा तो नहीं है जो एक माहौल ये बनाया जा रहा है कि मुसलमान के खिलाफ सरकार है, मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर चला, तो सभी के साथ गैर कानूनी कार्रवाई हो रही है। अतीक अहमद के साथ जो इस समय हो रहा है, उनके गुर्गों के साथ जो हो रहा है, उसको क्या आप समर्थन करते हैं, सही और कर रही है सरकार? जो भी है कर रही है, सही है, सही कर रही है। क्या नाम हो गया मैम? रजनीगंधा। अच्छा, ये बताइए उत्तर प्रदेश में योगी जी का जो बुलडोजर इस समय चल रहा है उस पर आप? वो सिर्फ मुसलमानों पे चल रहा है, हिंदुओं पे नहीं चल रहा, सिर्फ मुसलमानों पे। विजयनगर में बाजार लगता है, एक्सटेंशन में बाजार लगता है, लेकिन सिर्फ यहाँ के बाजार के लिए, सिर्फ यहाँ के बाजार के लिए ऑब्जेक्शन होता है जब भी होता है। मैम, अतीक अहमद की अगर हम बात करें, जो माफिया है उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, वो सही हो रही है? हाँ, उस पर सही हो रही है अगर वो माफिया है तो, लेकिन इन गरीब मतलब यहाँ गरीब लोगों का बाजार है, ये मॉल से नहीं खरीद सकते हैं, ये बाजार उन लोगों के लिए है जो मॉल नहीं जा सकते, बाजार नहीं जा सकते, और लेकिन सरकार को तो मुसलमानों को उजाड़ना है बस। ऐसा क्यों लग रहा है? देखते हैं तो जो दिख रहा है वो लग रहा है, जो दिख रहा है लगता है वही लग रहा है। आप मानती हैं कि मुसलमानों को उजाड़ा? हाँ, यही मानते हैं। क्यों उजाड़ा? मोस्टली मुसलमानों को। क्यों? क्या नाम? गीता। गीता, गीता, गीता जी, आपको भी लगता है? हाँ, बिल्कुल लगता है, क्योंकि ना शिक्षा पे ध्यान, ना रोजगार पे ध्यान, ना स्वास्थ्य पे ध्यान, बस जातिवाद पे ध्यान, मुसलमानों को और हिंदुओं को लड़ाओ और मजे से राजनीति करते रहो, रोजगार खत्म होता है। अंकल जी से बात कर लेते हैं, एक मिनट। क्या नाम हो गया अंकल जी? मेरा नाम सुल्तान है। क्या? सुल्तान नाम है मेरा। सुल्तान जी, अच्छा ये बात जो चल रही थी बुलडोजर को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे, क्या आपकी राय है कि योगी का बुलडोजर सही चल रहा है गलत चल रहा है? भैया, इस बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, वो जो करना सही कर रहा है, वो जो करना सही कर रहे हैं योगी, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। क्यों लगता है सही कर रहे हैं? वो सही इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें कुछ आता नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं आता है,
बॉर्डर दिखाई दे रहा बुलडोजर वो चला रहे हैं, उन्हें राजनीति करनी आती है वो जो कर रहे हैं, उन्हें कोई भी उन्होंने काम ऐसा नहीं किया जो देश के कोई हित में हो। अतीक अहमद के साथ क्या होना चाहिए? प्रयागराज का जो है माफिया, आपने मुझसे दूसरे का क्वेश्चन कर लिया, जो गुंडा से मारो शरीफ को क्यों मार रहे हो? किस शरीफ को मार दिया? हम शरीफ है? आपको कहाँ, आपके घर बुलडोजर चला है क्या? भाई साहब आप अपनी मेरी बात क्यों कर रहे हैं? आप अपनी बात कहा कि हम शरीफ हैं, आप भी शरीफ हैं, मैं भी शरीफ हूँ ना, मेरे घर बुलडोजर चला है, आप अपना बताइए आपके ही चला है? वो जो अतीक अहमद आप क्वेश्चन कर रहे हैं, जो अतीक अहमद है उसके रिश्तेदार भी को क्या बदमाश है क्या? जो उसका बदमाश है जिन्होंने उसका साथ दिया उस हत्याकांड में, तो क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? एक मिनट एक मिनट, क्या उनके साथ वो जो जो वो क्राइम था वो शामिल हो गया क्या? वो उन्होंने किया वो, मतलब आपको लगता है अतीक अहमद के गुर्गों के साथ जो हो रहा है वो गलत? आप उन्हें गुर्गों मत कहो, उनके रिश्तेदार हैं वो। अगर आपके परिवार वालों को के साथ ऐसा कोई घटना करे तो फिर भी आपके लिए यही निकलेगा, आप यही बात बोलेंगे? मैं बात अपने परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबके बात कर रहा हूँ। मैं अपने परिवार की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। सबकी बात जो गलत हो रहा है, जो आदमी गलत कर रहा है उसे मारो ना, सबको मार रहा हूँ। अतीक अहमद बंद है, लेकिन जो अभी उमेश पाल को जिन लोगों ने मारा उन पे कार्रवाई हो रही है, आप उसका भी समर्थन? ना तो मैं जानता हूँ उमेश पाल को, मैं जानता हूँ इस बाजार को, ऐसा कुछ नहीं है। आप आ जाइए भैया, क्या नाम हो गया? नाम तो आसिफ। आसिफ आसिफ जी, आपको क्या लगता है, नफरत की बात लगातार हो रही है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत है? सबका अपना अपना विचार है, अपनी अपनी सोच है। अपना अपना विचार है, अपनी अपनी। हो क्या रहा है असल में, हो क्या रहा है? ये सरकार जैसा कर रही है, जो उसको सही लग रहा है वो अपना काम कर रही है उस तरह से, जो सही लग रहा है। हाँ, जो उसको सही लग रहा है। क्या नाम हो गया आपका? फहीमुद्दीन। अच्छा, ये बताइए कैसे हालात हैं उत्तर प्रदेश के? हालात अच्छे सही नहीं है इस टाइम, हर आदमी परेशान है आज के टाइम में। फिर रोजगार नहीं मिल रहा, तो कह रहे माफिया परेशान है। माफिया परेशान तो कर रहे हैं लोग, पुलिस कर रहे हैं, लेकिन परेशानी लोग, रोजगार नहीं है यहाँ पे। रोजगार होगा तो चमक भी होगी, जब रोजगार नहीं है लोगों को कहते हैं कि हाँ रोजगार आएगा आएगा, कहाँ है रोजगार? बुलडोजर को लेकर क्या सोचते हैं? बुलडोजर लेकर क्या सोचते हैं, जैसे उनकी चली मर्जी कर रहे हैं काम, अपनी मर्जी से रह रहे हैं काम। तो माफियाओं पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, अतीक अहमद जैसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अब अतीक अहमद की बात यह है, और भी लोग हैं सर, एक जो नाम आया था उसका ही नाम छाला जाए अतीक अहमद के अलावा, और भी तो है माफिया लोग। निर्दोष है क्या? निर्दोष ही है बिल्कुल, माफिया लोग और भी नहीं, और लोग और लोग तो इसमें अतीक अहमद के साथ में है। कहते हैं मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को। हाँ सही कहते हैं, बिल्कुल मिलाओ मिट्टी में, मिलाओ बिल्कुल माफियाओं को, लेकिन गरीबों को रोजगार तो मिलना चाहिए। बस गरीबों को रोजी तो मिलनी चाहिए, गरीबों को, बदमाशों को मिटाओ, लेकिन गरीबों को रोज मिले।